हेलो फ्रेंड, खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम मल्टीपल डेटा को सेलेक्ट करके एक साथ डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने चेक बॉक्स ले लिए। यहाँ पर मैं जो टॉप पे हेडिंग पे चेक बॉक्स है, अगर उसको क्लिक करता हूँ तो देखिए सेलेक्ट और अनसेलेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है डिलीट का। अगर मैं इसमें से किसी भी अभी डिलीट पर क्लिक करूँ तो जस्ट वही कॉलम या वही आईडी जो है डिलीट होगी। जैसा कि मैं यहाँ पर user8 है, इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ये देखें। और मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये देखें, डिलीट सक्सेसफुली, और वो हाइड हो गया, यानी गायब हो गया, वो रिमूव हो गया। मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें, यहाँ से वो डेटा डिलीट हो चुका है। लेकिन ये जस्ट सिंगल डेटा डिलीट हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट कर लूँ तो वो कैसे होगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं user5 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और user7 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये दो यूजर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं इसको डिलीट सिलेक्टेड करता हूँ। यहाँ पर ये ऊपर आप देख रहे हैं, टॉप पर एक मैंने लिंक लिया हुआ डिलीट सिलेक्टेड का। अब मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये देखें, आर यू श्योर टू डिलीट सिलेक्टेड। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखें। अब मैं फिर सेलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ, और अब मैं ओके करता हूँ तो आप देखिएगा ये डेटा, ये देखें, डिलीट सक्सेसफुली। और यहाँ से 5 नंबर यूजर और 7 नंबर यूजर अब डिलीट हो चुके हैं। मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें। तो इस तरह से हम मल्टीपल सिलेक्ट करके डेटा को तो एक साथ डिलीट कर सकते हैं। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, अजेक्स और PHP की मदद से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये मेरा PHP यानी टेबल है जो आपने अभी देखा था। और यहाँ पर जो हेडिंग में जो ऊपर चेक लॉग आउट है, यहाँ पर जो हेडिंग का कॉलम है यानी रो है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिलीट के कॉलम के साथ मैंने एक जो टॉप पर हेडिंग पर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जिससे हम सेलेक्ट ऑल कर रहे हैं चेक बॉक्स को, ये चेक बॉक्स लिया हुआ है जिसकी आईडी है बल्क सेलेक्ट। और इसी के यहाँ पर ये जो है बॉडी है, इसमें हमारा यहाँ से कॉन्टेंट PHP से जो है हमारा डेटा आएगा जो कि ये है। और यहाँ पर हमने तमाम यूजर्स को सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर भी मैंने जो हमारे डिलीट का कॉलम था उसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक चेक बॉक्स भी डाल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनपुट की टाइप चेक बॉक्स है और इसकी क्लास जो है मैंने रखी है बल्क सेलेक्ट, और इसका नेम भी बल्क सेलेक्ट है। और यहाँ पर इसको वैल्यू भी दी हुई है जो कि हमारे को यहाँ से ऊपर से मिल रही है, ये रो से, जिसकी आईडी ली हुई है, जिससे इसको पता चलेगा कि ये किस यूजर का डेटा है। और अब मैं आपको अपना JS में ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करने के लिए जितनी भी फील्ड हैं, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें मैं बल्क सेलेक्ट को जो है सेलेक्ट करता हूँ, अगर क्लिक करता हूँ, अगर जो कि ये है हेडिंग के साथ वाला चेक बॉक्स है, इसकी आईडी है बल्क सेलेक्ट। इसको जब क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पर इफ और एल्स की कंडीशन ली हुई है, यानी कि दिस ये वाला आ जाएगा और ये चेक करेगा इस फंक्शन से कि ये चेक्ड है, यानी ये बल्क सेलेक्ट जो हमने आईडी ली हुई है ये चेक्ड है, इसका एट्रीब्यूट जो कि सोडो इसकी क्लास है एट्रीब्यूट, ये चेक्ड होगा। तो ये जो बल्क जो हमारी क्लास है जो कि हमने कॉन्टेंट में ली हुई है, यहाँ पर जो चेक बॉक्सेज है नीचे डेटा में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बल्क सेलेक्ट की क्लास है, ये क्या होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेक्ड ट्रू हो जाएगी। यानी जो इसमें इसकी प्रॉपर्टी होती है ना चेक्ड वाली इनपुट चेक बॉक्स की, वो ट्रू हो जाएगी। और एल्स पार्ट में जो है इसको हमने फॉल्स कर दिया है ताकि वो चेक बॉक्स पे जो टिक है वो हट जाएगा और यहाँ पर बेसिकली टिक जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, यानी कि वो चेक्ड हो जाएगा। तो ये तो बेसिक सा फंक्शन था, हमने टिक मार्क करने के लिए लिया, यानी चेक और अनचेक करने के लिए लिया हुआ इसको फील्ड्स को। और अब इसका यहाँ पर मेन जो हम इसका कोड लिखने जा रहे हैं डिलीट करने के लिए आईडी, वो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं आईडी सिलेक्टर ले लेता हूँ जो के फ्रेंड होगा हमारा, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था एक एंकर टैग बनाया हुआ है यहाँ पर, तो जिसपे डिलीट सिलेक्टेड लिखा हुआ है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये आईडी हमें बताएगी कि हमने इस पे क्लिक किया है, तो हमारा फंक्शन जो है रन होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इस पे फंक्शन लगाता हूँ क्लिक का।
और अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ बल्क आईडीज के नाम से, आप कुछ भी ले सकते हैं। और इसको इस एरे में ले लेता हूँ, यानी एम्प्टी एरे होगा, और इसमें हम सारी वैल्यूज को एंटर करवाएंगे जो हमें नीचे से मिलने वाली हैं, जो कि ईच के फंक्शन से आएंगी। तो यहाँ पर मैं ईच के फंक्शन के लिए यहाँ से जो हमने ये चेक बॉक्स सेलेक्ट का हमारा एक क्लास है, तो के तमाम सेलेक्ट चेक बॉक्सेस पे लगी होगी सेम क्लास, उसको यहाँ पर हम चेक क्या जो हमारा इसका एक एट्रीब्यूट है उसके जरिए हम यहाँ पर ईच फंक्शन के थ्रू हम इसकी वैल्यूज जो हैं वो अपने जो एरे है यहाँ पर जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया इसमें स्टोर कराएंगे। और यहाँ पर अब मैं ये जो बल्क आईडी है इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ पर इसको एरे में ले लूँगा। और यहाँ पर फंक्शन के अंदर एक और मुझे वैल्यू वैल्यू पास करनी पड़ेगी, वो कुछ भी कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर डिलीट आईडी ले लेता हूँ, डेल आईडी, और इसको यहाँ पर इस एरे में भी पास करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं इस दिस के जरिए यहाँ पर इसकी वैल्यू को ले लेता हूँ, दिस सिलेक्टर के जरिए इसकी जो वैल्यू होगी वो इस बल्क आईडी के एरे के अंदर इस वैल्यू के जरिए वो स्टोर होगी और यहाँ पर इसमें एरे में सेव होती जाएगी। अब यहाँ पर हमें वैल्यू मिलने लग गई है, मैं इसको एक दफा आपको अलर्ट करके भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर अलर्ट लग चुका है, तो अब इसको चलते हैं चेक करते हैं कि हमारे अलर्ट में आईडीज आ रही हैं। तो मैं यहाँ से ये दो सेलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ, तो ये देखें कि आईडी मिल रही है हमें। एक और सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें एक और आईडी मिल गई। एक और सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इस तरह हमें ये आईडीज मिल रही हैं, सिंगल की भी मिल जाएगी। तो अब हमारे को क्योंकि आईडीज मिल रही हैं, अब हम आगे का बाकी का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इसकी कंडीशन ले लेता हूँ और इसके साथ ही एल्स भी ले लेता हूँ। हमने जो यहाँ पर इसको सबसे पहले जो हमने इससे कंफर्म करना है कि ये डिलीट करना चाहता है या नहीं, तो यहाँ पर मैं कंफर्म का फंक्शन लूंगा और उसके अंदर मैसेज अपना प्रिंट करेंगे, आर यू श्योर टू डिलीट सेलेक्टेड, और यहाँ पर इसको चेक करेंगे ट्रू। अगर इसकी ट्रू वैल्यू होगी तो यहाँ पर ये इसको अजेक्ट हम यहाँ पे रन कराएंगे और एल्स पार्ट में हम इसको रिटर्न करेंगे इसकी वैल्यू को, यानी कि कैंसिल कर देंगे जब, और यहाँ पर ओके करने पर ये हमारा अजेक्ट का कोड रन होगा। तो यहाँ पर मैं अपना अजेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि सेम ही होता है अजेक्ट का कोड ज़्यादातर। और यहाँ पर मेरे को जो यूआरएल देनी है वो मैं यहाँ से दूंगा, ये डिलीट बल्क का मैंने पेज क्रिएट किया हुआ है उसकी यूआरएल दूंगा। तो मैं यहाँ से डिलीट बल्क जिसमें हमारा पीएचपी का कोड आएगा और यहाँ पर पोस्ट आ जाएगा मेथड, और यहाँ पर जो हमारी आईडी हमने क्रिएट की हुई है एरे की, ये एरे वाली आईडी आ जाएगी हमारी, और इसके थ्रू हम डेटा को आगे फेच करवाएंगे, डिलीट करवाएंगे। और यहाँ पर एक तो हमारा यहाँ पर अलर्ट का फंक्शन आ जाएगा जिसमें हमारा कोई भी डेटा होगा तो वो हमें प्रिंट होगा, और दूसरा यहाँ पर हम लोड कंटेंट करेंगे, यानी कि हम हमारा जो टेबल होगा हम उसको रिफ्रेश करेंगे एक दफ़ा, उसमें जो भी डेटा होगा वो अगर डिलीट हो गया है तो जैसे भी अपडेट हो गया इंसर्ट हो गया तो हम उसको रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा प्रिंट कराने पर यहाँ पे। तो यहाँ पर एक दफ़ा हमारा डेटा प्रिंट होगा जिससे हमारी जो डिलीट हुई हुई टेबल्स की जो कॉलम्स हैं या रोज हैं वो डिलीट हाइड हो जाएंगी। तो ये हमारा जो जेएक्स यानी अजेक्स की साइड का कोड है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सबसे पहले हमने सेलेक्ट ऑल के लिए बनाया है फंक्शन और यहाँ पर डिलीट के लिए फंक्शन बनाया है जिसमें हमने एरे क्रिएट किया है, और इसी में सब अब आईडीज हैं। अब हम इसको यहाँ पर इस आईडीज के जरिए आगे पीएचपी में भेजेंगे एजेक्स कोड के जरिए डिलीट बल्क पीएचपी में,
अब हम पीएचपी का कोड करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, जो कि मैं जिसको कह देता हूँ बल्क आईडी, और इसको खाली छोड़ देंगे फिलहाल। और यहाँ पर नीचे फोर ईच का लूप शुरू कर लेंगे, जिसमें से हम आईडीज को फोर ईच के जरिए टेबल में भेजेंगे डेटा से। और यहाँ पर अब मैं जो हमारी पोस्ट आ रही है, पोस्ट हमारी क्या आ रही है, यही बल्क आईडी जो आ रही है, ठीक है, यहाँ से जो जेएस से आ रही है ये वाली बल्क आईडी है, ये एज की वैल्यू, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नाम चेंज नहीं करते, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बल्क जो हमने यहाँ पर आईडी वाला क्रिएट किया ये वेरिएबल, यहाँ पर ये ले लेते हैं और इसको कंकेटिनेट कर देते हैं हम अपनी, ये जो हमने इसकी वैल्यू, बल्कि यहाँ पर मैं इसको, अजीब ही लग रहा है, मैं इसको बल्क वैल्यू लिख देता हूँ और यहाँ पर इसको बल्क की लिख देता हूँ। और यहाँ से ये बल्क वैल्यू उठा कर मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर इसको कंकेटिनेट करूंगा एक कोमा लगाकर, यानी कि जब ये फॉर इच पहली आईडी के लिए प्रिंट करेगा तो उसके साथ ही ये कोमा भी लगा देगा, और फिर जब दूसरी आईडी करेगा फिर कोमा लगा देगा। इसी तरह सारी हमारी वैल्यूज जो है कोमा सेपरेटेड हो जाएंगी, जिसको बाद में हम आसानी से काम कर सकते हैं जिसपे। तो अब मैं यहाँ पर नीचे भी आईडी को लेऊंगा और यहाँ पर मैं राइट ट्रिम का जो फंक्शन है वो यूज करूंगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में। तो यहाँ पर राइट ट्रिम का फंक्शन हम इसलिए यूज करेंगे, जब ये अपनी आखिरी वैल्यू को पहुंचेगा तब भी ये उसके साथ जो है कोमा लगा देगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए उस लास्ट वाली जो भी हमारी होगी वैल्यू उसके साथ कोमा नहीं चाहिए। मैं जस्ट आपको यहाँ पर पहले इसको कॉमन करके चेक भी करा देता हूँ प्रिंट आर के फंक्शन से। मैं यहाँ पर इसको आईडी को पेस्ट करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मैंने तीन सेलेक्ट की और सेलेक्ट डिलीट सेलेक्टेड किया, ओके किया, तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर हर आईडी के बाद जो है कोमा लग रहा है और ये लास्ट वाली आईडी के बाद भी कोमा लग गया। तो मैं चाहता हूँ ये कोमा ना लगे आखिरी वाली के बाद, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर आर ट्रिम का फंक्शन लगाना पड़ा। मैं अभी आपको फिर दोबारा इसको करके दिखाऊंगा ये करने के बाद, आर ट्रिम करने के बाद। तो यहाँ पर हमारा वो स्ट्रिंग वैल्यू, वो वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर जो चीज़ हम ख़त्म करना चाहते हैं, राइट ट्रिम करना चाहते हैं, वो कोमा है। तो अब मैं आपको इसको दोबारा प्रिंट करके दिखाता हूँ एक दफ़ा, यही सेम वैल्यूज या कोई और भी वैल्यूज ले सकते हैं। रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, तो ये देखें अब यहाँ पर पहली के बाद कोमा आ गया, दूसरी के बाद, और ये लास्ट के बाद कोई कोमा नहीं लगा। हमें ये वैल्यूज चाहिए थी बिल्कुल इसी तरह। और अब हम जो है इसकी आगे डिलीट की क्वेरी लिखेंगे, तो मैं चलता हूँ एसक्यूएल लिख लेता हूँ अपना कोड, और यहाँ पर डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ हमारी जो आईडी है यूजर की वो क्या है, आईडी है, जो कॉलम है वो आईडी है। और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ वेयर के साथ इन का फंक्शन। इन के फंक्शन में बेसिकली हम बताते हैं कि हमारी जो आईडीज हैं वो मल्टीपल आईडीज, इसमें हम दिखा सकते हैं मल्टीपल डेटा दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा दूंगा और यहाँ पर पेस्ट, और अब मैं इसको एक दफ़ा इको करके देखूंगा कि हमारी ये जो बन रही है ये बिल्कुल सही बन रही है कि नहीं, जो हमारी स्टेटमेंट है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इन। अभी यहाँ पर आप देखें यहाँ पर एक कोमा आ रहा है, सिंगल कोट आ रहा है, तो क्योंकि ये आईडीज हैं इसमें सिंगल कोट नहीं चाहिए, ये एक ही जस्ट वैल्यू बन जाएगी कोमे के अंदर अगर आएगी, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने ये आपको दिखाने के लिए इसीलिए किया, तो मुझे यहाँ पर इसको रिमूव करना है बिल्कुल। आप अगर इसको करने से पहले चेक भी कर सकते हैं इस तरह से। अब ये हमारा बिल्कुल, अब मैं इसको दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, तो अब ये कोमा नहीं आ रहा होगा।
अब हमारी बिल्कुल परफेक्ट देखें वैल्यूज आ रही हैं, ये इसी तरह आती हैं जब भी हम ये फंक्शन यूज करते हैं इन वाला। अब हमें हमारी वैल्यूज मिल रही हैं, तो अब हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं तब सबको। यहाँ पर अब मैं रिजल्ट में शो रिजल्ट ले लेता हूँ, और रिजल्ट में MySQL i क्वेरी, इसमें दो वैल्यूज जाती हैं, एक कनेक्शन होता है, दूसरा हमारा ये SQL स्टेटमेंट होती है। और यहाँ पर अब मैं इसकी कंडीशन ले लेता हूँ, और यहाँ पर अगर हमारी वैल्यू आती है ट्रू यानी रिजल्ट हो जाता है तो इको करा देंगे डिलीट सिलेक्टेड। और नहीं तो एल्स में हम दूसरा मैसेज शो करा देंगे, प्रोसेस फेल्ड। और यहाँ पर आप चाहें तो इसको कंकेटिनेट करके MySQLi जो हमारा एरर होता है वो शो करा सकते हैं आप, और यहाँ इसमें कनेक्शन भी आता है तो यहाँ पर ये एरर भी आ जाएगा अगर कोई एरर होगा इसमें। तो अब चलता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा, और अब मैं ये 4 और 6, पहले मैं जस्ट एक चेक करके इसको क्लिक करता हूँ। ये देखें डिलीटेड, 4 वाला हमारा डिलीट हो गया। मैं मल्टीपल डिलीट करता हूँ, जैसे मैं ये 2 और 6 करता हूँ, तो देखें मल्टीपल भी डिलीट हो गए। और मैं अगर डिलीट सिलेक्टेड करता हूँ यानी यहाँ डिलीट ऑल करके डिलीट सिलेक्टेड करता हूँ तो भी देखें हमारे तमाम डिलीट हो गए। तो आपने देखा भी दोस्तों, हमने बड़ी आसानी के साथ जो है डिलीट कर लिए सारी वैल्यूज को मल्टीपल सेलेक्ट करने के बाद। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।